कैसेट कंपनी की ओर से पेश करते हैं जिसके गायक कलाकार हैं राजेंद्र सिंह खड़किया व सरिता चौधरी। किस्सा है चाप सिंह भाग नंबर एक। हमारी दोनों की तरफ से वह मैना कैसेट कंपनी की ओर से वह साथियों की ओर से आप सभी सज्जनों को हाथ जोड़ के प्यार भरी राम राम। तो बात की समय की टिकट नौ महलों में सरदार जसवंत सिंह बादशाह के यहाँ नौकरी किया करते थे, जिनका एक लड़का था जिस लड़के का नाम था चाप सिंह। बताते उस चाप सिंह की शादी छोटी उम्र में श्रीनगर में कर दी जाती है, जिसकी रानी का नाम था सोमवती। भगवान कैसे करने होते हैं कि कुछ दिन बाद सरदार जसवंत सिंह का देहांत हो जाता है और चाप सिंह को बादशाह ने यहाँ नौकरी पर रख लिया, पढ़ाया लिखाया अच्छी तरह से उसकी व्यवस्था की। और कुछ दिन के बाद जब चाप सिंह जवान हो जाता है तो चाप सिंह की ससुराल से चिट्ठी आ जाती है गोने की। तो चाप सिंह 15 दिन की छुट्टी लेकर बादशाह से और कहाँ पहुँचता है, श्रीनगर में पहुँच जाता है अपनी ससुराल में, और जाके राम राम करी सासू जी के पैर लिए, ससुर जी के पैर लिए। और शाम को जब भोजन का टाइम होया तो चौकर देने साड़ी आ जाती है, और अगले दिन जब चलने की तैयारी हुई तो एक साड़ी थे वो चाप सिंह क्या करता है सोमवती के बारे में, और साड़ी अपने जीजा चाप सिंह थे ये कहने लगी बना सोमवती के घालण की तैयारी करवाइये तू। अरे सोमवती के घालण की तैयारी करवाइये तू, सोमवती के घालण की तैयारी करवाइये तू। काम जमाना हमने रे जा, काम जमाना हमने मतन्या देर लवाइये तू। तेरी छोटी साड़ी डाटे से मेरा कहन पुकाइये तू, तेरे सोमवती के घालण की तैयारी करवाइये तू। लाग जा ताली के ताली
लाग जा ताली के ताली ईसा जतन बनाइए तू तेरी सेवा पानी कर दी जो चाहे तो खाइए तू सोमवती के घालने की तैयारी करवाइए तू तरले मलखी धरी से मत जखम दुखिए तू कदे छो मैं आके बोले हंस के लाज लड़ाइए तू आ सोमवती के घालने की तैयारी करवाइए तू प्रकाश घुस कानी के जय प्रकाश घुस कानी के लैसुर में गये तू या दुनिया के शाबाशी बढ़िया बात बढ़ाइए तू आ सोमवती के घालने की तैयारी करवाइए तू